आपका स्वागत है। 22 अक्टूबर को बैंकों में हड़ताल। SBI व BOB ने ग्राहकों के लिए यह बात कही है कि जैसा कि सबको पता है कि अभी कुछ दिन पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 10 बैंकों का विलय किया था, तो इसी कारण से दो बैंक यूनियन 22 अक्टूबर को एक दिन की हड़ताल पर जाने वाले हैं। आपको बता दें कि इस विलय के बाद 4 नए बैंक अस्तित्व में आ जाएंगे। वहीं आंध्रा बैंक, इलाहाबाद बैंक, सिंडिकेट बैंक, कॉरपोरेटर बैंक, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया और ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स का अस्तित्व नहीं रहेगा। इसके साथ ही बैंकों ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर हड़ताल होती है तो बैंकों की शाखाओं और कार्यालयों का कामकाज पूरी तरह से प्रभावित हो सकता है। हालांकि भारतीय स्टेट बैंक यानी SBI को उम्मीद है कि इस हड़ताल का ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा। इसी तरह बैंक ऑफ महाराष्ट्र को भी लगता है कि यह हड़ताल बैंकिंग स्तर पर प्रभावित नहीं करेगा। बता दें कि अखिल भारतीय बैंक कर्मचारी संघ और भारतीय बैंक कर्मचारी परिसंघ ने 22 अक्टूबर को हड़ताल बुलाई है। इसे भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस ने भी समर्थन दिया है। यह हड़ताल सरकार के 10 बैंकों के विलय के विरोध में बुलाई गई है। 22 अक्टूबर के अलावा 26 अक्टूबर को शनिवार की वजह से देश के अधिकतर बैंक बंद रहेंगे। वहीं 27 अक्टूबर को दीपावली है और रविवार भी है, तो इसलिए 27 अक्टूबर को भी बैंक की छुट्टी रहेगी। एक्सक्लूसिव समाचार में आज के लिए इतना ही। ऐसी और खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन का बटन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।